जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरारपाड़ा निवासी लालजी प्रसाद के घर बाइक से आए अपराधियों ने मंगलवार दोपहर फायरिंग कर दी। अपराधियों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार पर भी फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से भाग खड़े हुए। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इधर सूचना पाकर प्रभारी डीएसपी मुख्यालय 2 अनिमेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए लालजी प्रसाद ने बताया कि इसके पूर्व भी 4 बार गोलियां चल चुकी हैं। एक गोली कार के दरवाजे पर चलाई गई जबकि दूसरी गोली घर के दीवार पर जा लगी। लालजी प्रसाद ने बताया कि 1 माह पूर्व भी अजय गौड़ ने रंगदारी को लेकर सीएच एरिया के पास उन पर गोली चलाई थी। हालांकि इसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद फिर से उन्हें डराने के लिए फायरिंग की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी। इधर पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी की भी जांच की। सीसीटीवी में सारी घटना कैद हो गई है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी मौके पर पहुंचे। उनमें से पीछे बैठे अपराधी ने हथियार निकाला और 1 गोली कार पर चलाई, वहीं दूसरी गोली उनके घर पर चलाई। फायरिंग करने वाले की पहचान सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी पिंटू यादव उर्फ भैंसा के रूप में की गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, पर वह फरार बताया जा रहा है। इससे पहले गोली नहीं चलाया गया था, लेकिन हमला किया गया था, कोशिश किया गया था अपहरण उपहरण का कि बच्चा को अपहरण कर लेंगे, तो ताला मारा हुआ था तो नहीं घुस पाया था लोग, तो ताला बंद रहता है। अजय गौड़ और भैंसा और पिंटी यादव नाम है इसका, और एक तो अंदर है। उस दिन का झब्बू वब्बू था, 1 हफ्ता पहले आया था लोग। कहाँ रहता है? ये ग्वाला बस्ती और दुमहानी में रहता है। मेरा नाम लालजी प्रसाद है। अभी क्या किसी को गोली लगी? गोली लगी नहीं, 1 गोली यहाँ फंसी हुई थी, अभी बड़ा बाबू निकाल कर ले गए। यहाँ से गोली चलाया लो, यहाँ बच्चा लोग बैठा हुआ था, ये सब चारों तरफ इधर देखिए गोली गोली चलाया तो इसमें फोड़ते हुए निकल गया, यहाँ से फाड़ के यहाँ घुस गया। मरारपड़ा में यहाँ सुनारी में लाल स्क्रैप व्यापारी है, उसका पूर्व में चेन स्नैचिंग की घटना घटी थी और उनका कहना है कि उसमें जो एक्यूज पकड़ा गया था और उसके द्वारा 2 और एक्यूज का नाम बताया गया था, उसी में से एक लड़का अन्य कोई लड़का के साथ मिलकर के यार यहाँ पर फायरिंग की घटना कर करके डराने के उद्देश्य से उसके खड़ी गाड़ी में फायर किया है और गेट के पास में फायर किया। अभियुक्त के द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि ये छिनतई की घटना भी पहले हो चुकी उनके साथ। हाँ, वादी द्वारा बताया गया है छिनतई की घटना घटी, उसमें पकड़ाया था लोग, जो पकड़ाया था वो एक्यूज ही दूसरा लोग का नाम लिया था और उसी में जिसका नाम लिया था उसी में से एक लड़का जो है वो फायर की घटना घटी। फुटेज वगैरह सब मिल गया, उसके पहचान हो गई, हम लोग इसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं।